फेसबुक का नाम चेंज होने वाला है और जो न्यू नेम रखने वाले हैं वो मेटावर्स के नाम से फेसबुक का न्यू नेम आएगा। इसकी वजह क्या है कि फेसबुक का नाम फेसबुक था लेकिन अब वो क्यों चेंज होने वाला है, मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में इसकी बताऊंगा हिस्ट्री। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेसबुक का नाम चेंज होने वाला है और जो न्यू नेम रखने वाले हैं वो मेटावर्स के नाम से फेसबुक का न्यू नेम आएगा। इसकी वजह क्या है कि फेसबुक का नाम फेसबुक था लेकिन अब वो क्यों चेंज होने वाला है, मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में इसकी बताऊँगा हिस्ट्री। फेसबुक का नाम चेंज होने वाला है और उसका न्यू नेम मेटावर्स रखने वाले हैं और मार्क जुकरबर्ग ने अपनी लाइव सेशन में बताया था कि इसका नाम क्यों चेंज करने लगे हैं। इसका नाम फेसबुक था लेकिन वो लंबा भी नाम था, अब उसकी जगह मेटा नाम रखने वाले हैं, मेटावर्स नाम आएगा। और अभी की सिचुएशन में कुछ लोग ट्राई भी कर रहे होंगे कि नई अपडेट आई है, हम अपडेट करके ट्राई करते हैं या हम अपनी ऐप को देखते हैं क्या नाम चेंज हुआ है या नहीं। अभी की सिचुएशन में नहीं नाम चेंज हुआ, ये नाम कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाएगा जैसे ही फेसबुक की न्यू अपडेट आएगी, उसके बाद उसका लोगो भी मे भी चेंज कर दिया जाए और उसके अलावा फेसबुक का नाम आप मेटावर्स के नाम से जाने जाएंगे और आप इसको मेटावर्स के नाम से पुकारेंगे फेसबुक को। इसके पीछे रीज़न क्या है कि फेसबुक नाम चेंज करके मेटावर्स रखने वाले हैं, जैसे कि फेसबुक में आपको पता होगा कि पहले जब शुरू में 2004 में ये लॉन्च हुआ था फेसबुक, तब इसमें थोड़ा फंक्शन थे, पिक्चर्स थी, आप पिक्चर्स अपलोड कर सकते थे, वीडियोस, इसके अलावा प्रोफाइल चेक कर सकते थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें फ़ीचर्स नहीं थे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद अपडेट्स न्यू आती गई, उसके बाद उन्होंने और अपडेट्स की, उसके बाद उन्होंने जैसे कि आपको पता होगा कि पहले फेसबुक पे हम मैसेज भी किसी को भेजते थे वो फेसबुक के थ्रू भेजते थे, लेकिन कुछ अपडेट के बाद उन्होंने मैसेंजर ऐप डाउनलोड करवा दी, मैसेंजर ऐप एक ले आए जिसको फेसबुक के साथ अटैच किया और उस ऐप पे हम मैसेज करने लग गए, फेसबुक से अलग हो गए और हम एक मैसेंजर ऐप पे आ गए और अगर हमने फेसबुक के किसी बंदे को मैसेज करना हो तो वो उस ऐप के ज़रिए हम मैसेज करते थे, तो ये नई अपडेट की वजह से हुआ था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद अब फेसबुक के न्यू फीचर्स आए हैं, वीडियोज़ के ऑप्शन मौजूद आ गए हैं, लाइव वीडियो सेशन हो सकता है, आप लाइव वीडियो आप बना के ऊपर लगा सकते हैं कि हम लाइव जा रहे हैं। और इसके अलावा अब और ज़्यादा अपडेट्स आ गई हैं कि अब डिफरेंट टाइप्स के आपको वहाँ पर फेसबुक और नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन होता है, एक प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, एक वीडियोस का और एक न्यूज़ फीड का। इसके अलावा एक और ऑप्शन मौजूद है, इस पे हम अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, जैसे हमने मोबाइल सेल करना है या गाड़ी सेल करनी है, मोटरसाइकिल सेल करना है, तो हम वहाँ पर पोस्ट लगा के अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, लोग हमसे रब्ता करके वो चीज़ें हमारी बाय करवा सकते हैं, सेल करना चाहें बाय करना चाहें वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। अब फेसबुक को वो और ज़्यादा डिजिटल करना चाहते हैं, इसमें और ज़्यादा फंक्शनिंग और प्रोसेस लाना चाहते हैं, उसकी वजह से इसका नाम भी वो सोच रहे हैं कि मेटावर्स रखा जाए। मेटा का मतलब क्या है, डेटा है, जैसे कि कंप्यूटर का डेटा होता है, जो डिफरेंट टाइप्स की आपकी ऐप्स हैं, मोबाइल्स का डेटा होता है, मेटा का मतलब है डेटा। अब हम जैसा कि फेसबुक का नाम मेटा रखा जाए तो मेटा के अंदर डिफरेंट टाइप्स का डाटा होगा। शुरू में फेसबुक में बहुत थोड़े ऑप्शन थे, उसके बाद फिर और अपडेट्स आने के साथ साथ हमें न्यू फंक्शन मिलते गए, तो अब इस जैसे ही फेसबुक अपडेट होगी उसके अलावा मेटावर्स इसके अंदर फंक्शन आ जाएगा, उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग होगी। आप डिजिटल करेंसी देखेंगे इसके अंदर, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो जाए और NFT करेंसी, अमेजोन वगैरह, ये सारे सिस्टम भी इस पर थोड़े बहुत प्रोसेसिंग होंगी, तो उसकी वजह से डिजिटल करने के लिए उन्होंने इसका नाम भी चेंज कर दिया। इसमें डाटा और ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा डाटा स्टोरेज हो जाएगी इसकी, कि अब आप सिर्फ वीडियोस देख सकते हैं, इसके अलावा वीडियोस और सेल चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ही न्यू अपडेट आएगी उसके अंदर और ज़्यादा न्यू फीचर्स होंगे जिसमें आप प्रोसेस करेंगे, जिसमें आप वर्किंग कर सकेंगे, जिसको आप न्यू देख सकेंगे, तो वो नई जैसे ही अपडेट आएगी उसके बाद फिर आपका नाम भी चेंज हो जाएगा, मे बी लॉगो भी चेंज हो जाएगा। जैसे आप फेसबुक ऑन करें तो उसके बाद आपको न्यू लॉगो आ जाएगा मेटा का, उसके बाद फिर आपकी फेसबुक ऑन हो जाएगी। तो फेसबुक को डिजिटल करने के लिए और ज़्यादा स्टोर करने के लिए अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज हासिल करना चाहें तो आप यहां से भी हासिल कर सकेंगे फेसबुक के थ्रू, तो ये सारा सिस्टम भी आप फेसबुक के अंदर मेटा के नाम से होगा और मेटा इस फेसबुक का नाम मेटा रखा जाएगा और उसके अंदर ये सारे प्रोसीजर, ये सारा प्रोसेस होगा और ज़्यादा फंक्शनिंग होगी फेसबुक के अंदर, तो उसी वजह से इसका नाम भी मार्क जुकरबर्ग ने चेंज कर दिया है
और अब नई अपडेट जी आएगी, जैसे ही न्यू अपडेट आएगी उसके बाद इसका नाम चेंज हो जाएगा और इसके अंदर न्यू फीचर्स आने लग जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो में ये बताना था कि फेसबुक का नाम क्यों चेंज हो रहा है, फेसबुक के अंदर और ज़्यादा प्रोसेस फीचर्स न्यू आने वाले हैं और उसकी वजह से उन्होंने ये सोचा है कि इसका नाम फेसबुक से चेंज करके मेटावर्स रखा जाए, तो इसीलिए इसका नाम चेंज होने वाला है। फेसबुक को आप भूल जाएंगे और फिर मेटावर्स को आप याद रखेंगे, क्योंकि फेसबुक अब ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में ये बताना था कि ये चेंज क्यों होने वाला है। तो होप सो गाइस आपको पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।